स्टेशन में है ये और बताएं। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के सेक्टर 12 योगा ग्राउंड में, जहां पर आप देख सकते हैं कि करनाल जिले के अलग अलग डिपार्टमेंट के क्लर्क आपको यहाँ पर नीचे बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। हाथों में एक बैनर इनके हाथ में है जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्लर्क एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी की एक बड़ी मांग है, और वो मांग ये है कि हमारा हक 35,400 हो। जो जानकारी हमें मिली है वो ये है कि जो सरकारी क्लर्क हैं उनके अभी वेतन की बात की जाए तो वो 19,900 रुपये है, जिसको बढ़ाने की मांग पिछले लंबे समय से जो तमाम क्लर्क हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हरियाणा के क्लर्क हैं वो मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक हरियाणा सरकार ने इनके वेतन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है। और आज अपनी मांग को लेकर ही करनाल के जो डिप्टी कमिश्नर हैं निशांत कुमार यादव, उनसे मिलेंगे और उनको ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। महंगाई की दोस्तों हमारे राज्य में बात की जाए, हमारे देश में बात की जाए तो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। स्कूल फीसों की बात की जाए तो बच्चों को पढ़ाना आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। राशन की बात की जाए तो राशन खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। और ऐसे में अगर वेतन में बढ़ोतरी नहीं होगी, हमारे देश में सिर्फ महंगाई ही बढ़ती चली जाएगी, तो अपने आप में कोई भी सरकारी कर्मचारी क्यों ना हो, हर कोई तंग ज़रूर होगा, चाहे उसकी सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट नौकरी। और आज आप देख सकते हैं सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो तमाम क्लर्क हैं वो क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये तमाम करनाल जिले के सभी क्लर्क आप देख सकते हैं अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार इनकी मुख्य मांग जो है वो जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ ये कहना चाहेंगे करनाल के डिप्टी कमिश्नर से, और उसके अलावा हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस डिपार्टमेंट में आप क्लर्क के तौर पर काम कर रहे हैं? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप यहां समय पर पहुंचे और समय पर पहुंचकर कर्मचारियों के आवाज़ को उठाने में आपने सहयोग दिया। कर्मचारियों की नहीं, आप हर किसी की आवाज़ की, जनता की आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य करते हो, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज यहां सभी डिपार्टमेंट से, समस्त करनाल ज़िले से सभी कर्मचारी लिपिक वर्ग यहां पहुंचा है, क्योंकि 19900 की जो मांग है, 35,400 की जो मांग है, 19900 पे काम कर रहे हैं। 19900 जो है वो डी ग्रुप के कर्मचारी का है। 35,400 आज नर्स को 35,400 मिल रहा है, आज 35,400 है उसको JBT टीचर को मिल रहा है, 35,400 उसको MPSW को 35,400। आप लोग पक्के कर्मचारी हैं, डीसी रेट की भी बात की जाए वो भी 18,000 से शुरू होते हैं, तो आपकी तो फिर 19,900 है। 19,900 मूल वेतन है, मूल वेतन में काम कर रहे हैं, इतनी महंगाई के अंदर ये कार्य नहीं चल सकता 19,900 के अंदर। कितने सालों से काम कर रहे हैं सर आप लोग? ये कई 23 सालों से काम कर रहे हैं मैडम, 23 साल पूरी उम्र ही लगा रहे हैं। उम्र ही लगा रहे हैं। कई कर्मचारी ऐसे हैं जो सेवानिवृत्ति पर बैठे हैं, 25 साल से हर कर्मचारी यहाँ पे कार्य कर रहा है। और हमने ये मांग उठाई थी, रोहतक के अंदर भी हमारी मीटिंग हुई थी, राज्य स्तर की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर भी हमने सितंबर के अंदर ये मांग उठाई थी कि 35,400 दिया जाए। सभी डिपार्टमेंट के राज्य प्रधान वहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने भी ये सब ने मांग उठाई थी, और हम इसके लिए प्रयास करेंगे मैडम 35,400 के लिए। डीसी साहब को ये ज्ञापन देंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के पास ये हमारा ज्ञापन जाएगा, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सभी कर्मचारी बड़े ज़ोर शोर से, समस्त डिपार्टमेंट यहाँ पे आज इकट्ठा हुआ है, और इसके लिए आगे भी अगर कोई संघर्ष करना पड़ेगा तो वो उसके लिए भी हर कर्मचारी तैयार है, अपने उसको छोड़ के अभी सभी यहाँ पे आए हैं इसके लिए सभी का। बिल्कुल, आज अपने सभी काम को छोड़कर, क्योंकि देखिए वर्किंग डेज हैं, आज ट्यूसडे का दिन है, और सारे अपना काम छोड़कर आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन देने के लिए आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? अभी आपकी यंग एज है, आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, वेतन में बढ़ोतरी ज़रूर होनी चाहिए, क्या नाम है? मैडम, मेरा नाम प्रदीप कुमार हूँ, मैं CAWC का CA जिला अध्यक्ष हूँ। तो ऐसा कि हमारा मतलब कि काम इतना होता है कॉलेज के अंदर, मैं कॉलेज में कार्यरत हूँ, हमारा काम इतना होता है, लेकिन हमारी जो तनख्वाह मिलती है 19,900 के ग्रेड पे तो हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि हमारा जो बेसिक पे 35,400 किया जाए। अब देखो जो हमारा जो काम तो डेयरी डिस्पैच का होता है, लेकिन हम सारे टेक्निकल काम करते हैं, हमारी जो उसके टाइप टेस्ट की कंडीशन है, काफ़ी और कंडीशन है, लेकिन हमारे को बेसिक पे मिलता 19,900। तो हम आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को यही अनुरोध करना चाहेंगे कि जो हमारा बेसिक है 35,400 किया जाए। और उसी को लेकर ये लोग तमाम जो क्लर्क हैं वो इकट्ठा हुए हैं। आपका क्या नाम है सर, कहाँ से आप हैं? कुमार हैं, मैं डाइट शाहपुर में कार्यरत हूँ। मैडम, मेरी 23 साल की सर्विस हो गई है,
और 23 साल की सर्विस के बाद भी हम 19900 की ग्रेड पे के आधार पे काम कर रहे हैं सर। मैडम साथी प्रदीप ने जैसे बात की कि सारा टेक्निकल काम हमें किया जा रहा है, कहीं जबकि हमने सरकार से हमारा जो संघर्ष है, मैं 1998 से संघर्ष में हूँ और हमने देखा है साथियों से, हमने सरकार से मांग भी की है कि इसको एक टेक्निकल पोस्ट घोषित किया जाए और टेक्निकल भत्ता भी दिया जाए, लेकिन सरकार के कानों पर कोई जो नहीं रेंग रही है। जैसा कि मैम आपको पता, आप महंगाई के मुद्दे पर आप अक्सर बोलती रहती हैं और 5 आदमियों के परिवार में एक परिवार को मतलब बच्चों की शिक्षा है, बुज़ुर्गों का स्वास्थ्य है, उस हिसाब से 19900 में आप बताएं कृपया क्या एक मतलब न्याय संगत है। राज्य स्तर पर आपके जो प्रधान हैं मुख्यमंत्री से उन्होंने कभी मुलाकात की इसको लेकर? इसके रिगार्डिंग अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से तो हमारी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन उसके जरिए जो हमारी राज्य कार्यकारिणी है उन्होंने अभी तुरंत एक ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया है, उसके बाद जो भी राज्य कार्यकारिणी के कॉल आएंगे जिला करनाल की तरफ से, जिला करनाल का एक जुजारू लिपिक साथी साथ खड़ा है। आपकी मांगे समझी जाएंगी, जो आपकी मुख्य मांग है उसको समझा जाएगा। मैडम मेरा अपना मतलब निजी विचार इसमें ये है कि अगर परमात्मा ने सरकार को सद्बुद्धि दी तो वो जरूर समझेंगे। पिछले कुछ सालों में कभी बढ़ोतरी हुई वेतन में? मैम देखो जो एक रूटीन की वेतन बढ़ोतरी होती है, जैसे जिनको हम कहते हैं भाई 10 वर्ष सरकार बड़े बड़े अखबारों में भी छाप देती है कि कर्मचारी को तोहफा दिया गया है, वेतनमान की वृद्धि हो गई है, वो मैडम ऊंट के मुंह में जीरा के समान होती है, धरातल पर कुछ नहीं होता। अगर हम उसको बेस के लेके चले मैडम, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, 1979 में कलर्क की तनख्वाह एक टीचर से ज़्यादा होती थी, आज कलर्क की टीचर हमारे शिक्षा विभाग का अगर मैं प्रीपेक्स में बोलूँ, एक टीचर में और एक कलर्क में लगभग 25,000 रुपये की तनख्वाह का अंतर है, जबकि उसी दुकान से कलर्क ने दाल खरीदनी है, उसी दुकान से एक लेक्चरर ने दाल खरीदनी है, एक टीचर ने दाल खरीदनी है। ऐसा अगर हेल्थ डिपार्टमेंट लिया जाए तो सभी विभागों में ये शोषण हो रहा है, और आपके चैनल के माध्यम से हम अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये बात जरूर पहुंचाना चाहेंगे, माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से हमारा ज्ञापन जाएगा और साथियों से हमारा साथी इस प्रकार ये हमारा धरना कार्यक्रम चलता रहेगा सर। बिल्कुल इसी प्रकार से ये धरना चलता रहेगा, ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा और आप देख सकते हैं और भी हमारे साथ जो क्लर्क हैं उनसे एक बार बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका, कहाँ से आप हैं? संदीप बिड्डू, हरियाणा रोडवेज करनाल से। मैडम हमारा यही एक मुद्दा है कि 3500 सरकार को हमारे को देना चाहिए, क्योंकि आज के महंगाई के दौर में सबसे बड़ी जो हमारी मांग है यही है कि ताकि हम भी अपना बच्चों को ठीक पढ़ा सके और खाना ठीक दे सके। धन्यवाद। ये ज्ञापन आप जरा देख लीजिए, जो ज्ञापन आज करनाल के डिप्टी कमिश्नर के हाथों मुख्यमंत्री के नाम ये सौंपा जाएगा और मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ही जो तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट से करनाल जिले के क्लर्क हैं वो आज करनाल में इकट्ठा हुए हैं, ताकि अब से कुछ देर बाद करनाल के डिप्टी कमिश्नर को ये ज्ञापन सौंपा जाए। आप सभी लोगों से आज यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।